हेलो भाई, मैं हूँ आपका भाई सुमित यार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस न्यू वीडियो में। तैयार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने गेम प्ले मजे से एंजॉय करेंगे। तो भाई आज के इस न्यू वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 न्यू हिडन प्लेसेस यार, जो कि काफी अच्छी हिडन प्लेसेस यार, जिसपे जाके आप अच्छे से कैंपिंग कर सकते हो और आसानी से किसी भी एनिमी को किल कर सकते हो। तो काफी ओपी हिडन प्लेसेस यार, तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ। तो यार मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद और आपको बताता हूँ सारी हिडन प्लेसेस। तो छोटे सेंटर के बाद यार आप सभी का स्वागत है फिर से आज के इस न्यू वीडियो में। तो भाई हम आ चुके हैं सीधा फर्स्ट नंबर के हिडन प्लेस की तरफ, जो किया था बायफोन पे और काफी ओपी वाला हिडन प्लेस यार। इस पे जाके आप अच्छे से अपनी रैंकों को पुश कर सकते हो और इसी तरीके से वहां से एनिमीज को भी किल कर सकते हो। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस जगह पे, देख सकते हो यार मैं मैप खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, लोकेशन देख लो। इस जगह पे आना पड़ेगा सबसे पहले आपको, है ना, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक लॉन्च पैड। तो देख लो यार इस जगह पे आना है आपको, देख लो यार पूरी की पूरी लोकेशन देख लो, जगह देख लो ध्यान से। इस जगह पे आना है और इस वाले लॉन्च पैड के पास आना है। ओके, यहाँ पे इस वाले लॉन्च पैड के पास आना है और इस लॉन्च पैड को कुछ इस तरीके से सेट करना है। देख लो ध्यान से, देख लो यार एकदम लॉन्च पैड को इस तरीके से सेट करना है। सीधा आप चले जाओगे हिडन प्लेस के ऊपर, देख लो यार ध्यान से, सिर्फ इस तरीके से सेट कर देना और इजी तरीके से आप चले जाओगे हिडन प्लेस के ऊपर एकदम। देख लो यार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो यार, या तो ध्यान से देख सकते हो। ओके, तो देख सकते हो एक बंदा भाई मार रहा है बड़ी जोर जोर से। तो चलो यार उसको छोड़ो, हम चलते हैं हिडन प्लेस के तरफ। तो आ चुके, देख सकते हो यार हम आ चुके हैं हिडन प्लेस के ऊपर। देख लो यार काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है यार, यहाँ से आप इजी तरीके से एनिमीज को किल कर सकते हो। बंदों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई कौन बंदा किधर से मार रहा है। तो देख सकते हो यार यहाँ पे भाई भाई सामने की साइड में बंदा बैठा हुआ है, देख लो, है ना भाई। उस बंदे को पता ही नहीं कि कौन उसको देख रहा है यार, मैं उसको देख रहा हूँ हेड बना रहा हूँ, पर उस बंदे को पता ही नहीं कि भाई वो इसी तरीके से अपने कैंपिंग पे ध्यान दे रहा है। उसको पता ही नहीं कि यार यहाँ पे भी बंदा कोई ऊपर हो सकता है। तो इस जगह से यार इसी तरीके से बंदों को भी मार सकता हूँ। तो भाई बंदे का हेड बना के मारते हैं, तो भाई बंदा यार कैंपिंग कर रहा है तगड़े तरीके की, भाई हाई लेवल की कैंपिंग कर रहा है वो। तो देख सकते हो यार बड़े हाई लेवल का कैंपर है वहाँ पे कैंपिंग कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि यहाँ से मैं हेड बना रहा हूँ उसका। तो इसको पट्ट से हेडशॉट मारते हैं, चलो भाई बंदे को पट्ट से हेडशॉट लग चुका है, बंदा खत्म हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से यार इस हिडन प्लेस का यूज करके आसानी से यार बंदों को किल कर सकते हो, एकदम ईजी तरीके से पट्ट से हेडशॉट मार सकते हो। देख सकते हो यार सामने की साइड एक और बंदा भाई इसको मारने की कोशिश, हो भाई एक गोली, दूसरी गोली भाई लग जा, तीसरा हेडशॉट खत्म, बंदा खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से यार यहाँ से आप भी बंदों को मार सकते हो, काफी ओपी वाला हिडन प्लेस। एक बंदा भाग रहा है, उसको डैमेज थोड़ा सा डैमेज, भाई बंदा निकल गया उधर की साइड, है ना। तो चलो यार उसको निकलने, तो कवर से बाहर हम मारेंगे फिर से उसको। तो निकला भाई निकला, ओ भाई किसने किल चोर लिया। ओके, तो चलो यार इस तरीके से यहाँ से भी आप बंदों को मार सकते हो, इसको पट्ट से हेडशॉट, भाई इसने किल चोरा था तो बंदे को लग गया है पट्ट से हेडशॉट। तो ये हिडन प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। यहाँ पे आप इसी तरीके से कैंपिंग वगैरह कर सकते हो और आसानी से बंदों को भी मार सकते हो। देख लो यार लोकेशन में बता दे रहा हूँ, बायफोन के पास होने वाला है एकदम सेंटर में, देख सकते हो ना इस जगह पे। तो काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सीधा बढ़ते अब हमारे सेकंड वाले हिडन प्लेस की तरफ। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो भाई हम आ चुका है सीधा सेकंड वाले हिडन प्लेस की तरफ, जो किया था यार ग्रेवियर्ड के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफी ओपी वाला हिडन प्लेस यार। यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो अगर यहाँ पे जोन वगैरह बनता है। तो देख सकते हो लोकेशन वगैरह मैं दिखा दे रहा हूँ मैप खोल के, इस वाले एलसेप के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिडन प्लेस। तो देख लो, है ना, इस वाले एलसेप के पास यहाँ पे दो एलसेप है और एक डबल डोर, है ना। तो हिडन प्लेस होने वाला इस वाली टंकी के ऊपर, देख सकते हो ना इस वाली टंकी के ऊपर। तो आप बोलोगे भाई इस वाली टंकी के ऊपर कैसे जाए, तो इस वाली टंकी के ऊपर आप इजी तरीके से जा सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक वॉल लगा देना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं देख सकते हो, यहां पे एक वॉल सेट कर देना। देखो यार मैंने एक वॉल सेट कर दिया उस जगह पे। ओके, यहां पे एक वॉल सेट कर दिया इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया इस तरीके से यहां पे एक वॉल सेट कर देना। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करना, इस वाले लॉन्च पैड के पास आना। ओके, इस वाले लॉन्च पैड के साइड में दौड़ना चालू कर देना फटाक से वॉल लगाने के बाद। ओके, इस वाले लॉन्च पैड के पास आना और इसको इस तरीके से सेट करना है। यहां देखो मैं दिखा दे रहा हूं किस तरीके से सेट करना है। तो देख लो यार लॉन्च पैड या बुलसाई के पास में होने वाला है, देख लो, है ना, बुलसाई के पास होता है ये वाला लॉन्च पैड, तो इसके पास में आना है। ओके, इसको सेट किस तरीके से करना है मैं बता दे रहा हूँ। तो देख लो यार पेड़ के पास मैंने जूम करके बता दिया, उस वाले सेंटर में ना वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला हुआ है, थोड़ा सा वाइट वाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बीच में आपको सिर्फ रख देना है इसको। ओके, और यहाँ से छोड़ देना है। तो सिंपल तरीके से आ जाओगे आप इस टंकी के ऊपर, मतलब, है ना, प्रो तरीके से। और इस बाद में आप चाहो तो इस ग्लूवल को फोड़ सकते हो, इस ग्लूवल को फोड़ देना है, इसका कोई काम नहीं बचा। ओके, तो इस वाले ग्लूवल को फोड़ देना है, यहाँ पे इजी तरीके से आप कैंप कर सकते हो और आसानी से यार बंदों को भी यहाँ से मार सकते हो। बंदे वगैरह आते रहते हैं यार, ऑब्जर्वेटरी से आते हैं, ग्रेवयार्ड वगैरह से यार, यहाँ पे लूट करने के बाद बंदे आते हैं, तो उनको आप
इजी तरीके से यहाँ से किल वगैरह भी कर पाओगे और बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन बंदा किस साइड से मार रहा है। तो देख सकते हो यहाँ से इजी तरीके से आप बंदों को भी किल कर सकते हो। अगर यहाँ पे जोन वगैरह बनता है तो फिर तो भाई बंदे यहाँ पे मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे आने वाले हैं। ओके, तो इस जगह पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो इजी तरीके से और यहाँ से भाई बंदों को मार सकते हो। तो देख सकते हो काफी अच्छा प्लेस है यार, ये वाला प्लेस एकदम ओपी वाला प्लेस है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना ओके भाइयों, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जिसने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा उसको भी अल्पे सेट कर दो, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो भाइयों ये हिडन प्लेस आपको कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यार मेरे को भी तो पता लगना चाहिए कि आपको कौन सा वाला हिडन प्लेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको कौन सा वाला हिडन प्लेस अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ओके, तो सीधा बात करते हैं अब हमारे थर्ड नंबर के हिडन प्लेस की तरफ, जो कि आती है यार रेफिनरी के पास में। ओके, रेफिनरी के पास में आता है, काफी अच्छा हिडन प्लेस है यार, इस जगह पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो। देख सकते हो ना मैप में मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ, रेफिनरी के पास में होने वाला है इस वाले पुल के पास। ओके, देख सकते हो इस वाले पुल के पास यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक टर्नल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, देख सकते हो इस वाले टर्नल के पास से आपको इधर की साइड आना है। ओके, यहाँ पे देख लो यार, ध्यान से मैं दिखा दे रहा हूँ, इस साइड पे आपको आना है, यहाँ पे आपको हिडन प्लेस देखने के लिए मिल जाएगा, काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है यार, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो इजी तरीके से यार। वहाँ पे कोई एनिमी आता है तो उसको भी आप मार सकते हो। सबसे पहले तो यार बंदा मार रहा है उसको किल करते हैं, किधर है? ओके, तो ये रहा बंदा, इसको मारते हैं, एक हेडशॉट, भाई बंदा खत्म, भाई खत्म, चलो बंदा खत्म हो चुका है, एक हेडशॉट पड़ा बंदे को। तो देख लो यार हिडन प्लेस होने वाला इस जगह पे। ओके, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक छोटा सा गेप, तो इसके बीच में आप इजी तरीके से यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो अगर यहाँ पे जोन वगैरह बनता है। तो देख सकते हो यार काफी ओपी वाला यहाँ पे यार कैंपिंग कर सकते हो आप इजी तरीके से। यहाँ पे कोई भी बंदा आपको नहीं जज कर पाएगा कि यहाँ पे भी कोई बंदा हो सकता है, और यहाँ पे कोई बंदा आपको मार भी नहीं पाएगा। ओके, लेकिन आप सामने की साइड में बंदों को मार सकते हो। देख सकते हो यार सामने की साइड कोई बंदा अगर आता है तो आप उसको मार सकते हो, और इजी तरीके से यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो, कोई भी बंदा आपको यहाँ पे नहीं देख पाएगा। तो काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है, देख सकते हो इस जगह पे। ओके, रेफिनरी पे इस जगह पे देख लो यार, ध्यान से देख लो, मैप खोल के भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार और दिखा दूंगा मैप खोल के। तो देख लो यार इस जगह पे होने वाला है रेफिनरी के पास में, ये इस वाले टर्नल के पास। तो ये वाला हिडन प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, और भाइयों जिसने अभी तक यार इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करने लगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पे भी मैं फनी फनी क्लिप्स डालता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना भाइयों, वहाँ पे यार अमन भाई सारे बंदों से बातें वगैरह भी करते हैं, तो जरूर जाके फॉलो करना यार। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये हिडन प्लेस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। तो सीधा बढ़ते अब हमारे फोर नंबर के हिडन प्लेस की तरफ, जो कि आता है सीपीआर के पास, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है। तो देख सकते हो यार यहाँ पे सीपीआर पे होने वाला है हमारा फोर नंबर का हिडन प्लेस, देख सकते हो ना इस जगह पे होने वाला है, तो काफी ओपी वाला हिडन प्लेस। सबसे पहले तो लोकेशन देख लो यार मैप में, मैं दिखा दे रहा हूँ इस जगह पे होने वाला है हमारा हिडन प्लेस। तो यार यहाँ पे लोकेशन देख लो किस जगह पे होने वाली है ना, देख लो यार लोकेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ मैप में, है ना, इस वाली लोकेशन पे होने वाला है हमारा हिडन प्लेस। और यहाँ पे आपको करना है कुछ नहीं, सिंपल तरीके से देख सकते हो इस वाली जगह पे जाना है, मतलब लॉन्च पैड के पास जाना है। ओके, यहाँ पे लॉन्च पैड होता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे ऊपर की साइड आ जाना है, यहाँ पे लॉन्च पैड देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो ना, इस वाले लॉन्च पैड का यूज करके आपको जाना है हिडन प्लेस के ऊपर, है ना। दिखा दे रहा हूँ मैं आपको लॉन्च पैड को किस तरीके से सेट करना है, तो इस तरीके से लॉन्च पैड को सेट करना है, देख सकते यार जूम करके मैंने दिखा दिया है, तो आपको सिंपल तरीके से इस तरीके से यहाँ पे इसको कर देना सेट। ओके, देख लो यार ये दिखा दे रहा हूँ मैं जूम करके, और सिंपल तरीके से आप चल जाओगे हिडन प्लेस के ऊपर, यहाँ पे छोड़ देना इसको, सिंपल से आ जाओगे आप हिडन प्लेस के ऊपर, और यहाँ से इजी तरीके से आप बंदों को मार सकते हो इजी तरीके से एकदम, है ना। और यहाँ पे इजी तरीके से कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, कोई भी बंदा आपको यहाँ पे नहीं देख पाएगा। अगर इस साइड पे जोन बनता है तो भाई फिर तो मजे ही आ जाएंगे, मतलब यार यहाँ पे बंदे ही बंदे होंगे, और आप यहाँ पे किल वगैरह भी कर सकते हो। अगर कोई बंदा इधर की साइड पे आता है तो यार आप उसको इजी तरीके से मार सकते हो यार, मतलब वॉल फोड़ के भी मारोगे तो यार बंदे को पता नहीं चलेगा कि भाई कौन बंदा किस साइड से मार रहा है। अगर किसी बंदे को आप मारोगे तो भाई उसको हेड ही लगने वाला है, मतलब यार ऊपर की साइड से मतलब बंदे को हेड ही जाता है। ओके, तो यार यहाँ से आप इजी तरीके से बंदों को हेड शॉट भी मार सकते हो। तो ये हिडन प्लेस भी एकदम ओपी हिडन प्लेस है। तो ये आपको कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो बंदे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा ना उसको भी अल्पे सेट कर देना, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई बात करते हैं यहाँ से नीचे गिरोगे तो यार यहाँ से नीचे गिरोगे ना भाइयों तो आपकी एचपी सिर्फ 10 बचने वाली, तो आपके पास होना चाहिए 2 मेडिकेट या 3 मेडिकेट। ओके,
तो यहाँ पे 3 मेडिकेट लगेगी अगर आप यहाँ से नीचे कूदते हो तो। तो देख लो यार यहाँ पे नीचे कूद के भी मैंने दिखा दिया, तो सिंपल 10 HP बची है, यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा मेडिकेट। ओके तो भाइयों अगर आप इस हाइडिंग प्लेस के ऊपर चढ़ते हो तो भाइयों यहाँ पे मेडिकेट लेके जरूर आना। अगर आपके पास मेडिकेट नहीं होगी तो फिर उसके बाद यार उतरने के बाद हाइडिंग प्लेस से नीचे उतरोगे तो भाई कोई भी बंदा आपको यूं ही टपका के चला जाएगा। ओके तो ध्यान रखना यार, मेडिकेट 3 से 4 मेडिकेट रख के लाना, नहीं तो यार यहाँ से जैसे ही कूदोगे उसके बाद कोई भी बंदा आपको इजी तरीके से मार देगा। ओके तो सीधा बढ़ते अब हमारे 5 नंबर के हाइडिंग प्लेस की तरफ। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। तो सीधा बढ़ते अब हमारे 5 नंबर के हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो भाई हमारा लास्ट वाला हाइडिंग प्लेस होने वाला है इस वाले हड्डियों के कंकाल के ऊपर होने वाला है ना। देख सकते हो यार ये किसका कंकाल है मेरे को नहीं पता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को है ना कि ये किसका कंकाल है। ओके अगर आपको पता है तो यार कमेंट बॉक्स में बता देना। तो लोकेशन देख लो यार इस जगह पे होने वाला है, मैप में आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ ना, देख लो ध्यान से लोकेशन, इस जगह पे होने वाला है हमारा हाइडिंग प्लेस। तो अगर इस साइड पे जोन वगैरह बनता है तो यार आप इसका यूज कर सकते हो और आसानी से यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो ना। तो सीधा बढ़ते हैं हाइडिंग प्लेस की तरफ, चलो यार आगे की साइड पे चलते हैं। हाइडिंग प्लेस होने वाला है एकदम ओपी वाला, तो जिसने भी देखा यार जब तक मैं हाइडिंग प्लेस के ऊपर जा रहा हूँ जिसने भी देख लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से। ओके तो यार यहाँ पे होने वाला है हमारा हाइडिंग प्लेस, देख लो इस जगह पे है ना। तो आपको धीरे से आना पड़ेगा नीचे की साइड सबसे पहले, तो देख लो यार इस साइड से धीरे से नीचे आ जाना और यहाँ पे इधर अंदर की साइड में आप हाइड हो जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड में घुस जाना है ना, मतलब यहाँ पे मुक्के वगैरह चलाना, तो यहाँ पे आप आ जाओगे सीधा अंदर की साइड, देख सकते हो ना इधर अंदर की साइड आ जाओगे और यहाँ पे यार मतलब थोड़ा सा आप अंदर हो जाओगे तो आपको कोई देख नहीं पाएगा, मतलब हाइड हो जाओगे पूरा ओपी तरीके से, देख सकते हो ना इस साइड पे आप हो जाओगे एकदम ओपी तरीके से हाइड और यहाँ पे कोई भी नहीं आपको जज कर पाएगा कि कोई बंदा यहाँ पे छुपा हो सकता है। तो देख लो यार काफी ओपी वाला हिडन प्लेस है। और इस साइड से भाई आप दूसरी वाली साइड पे भी देख सकते हो, मतलब सामने की साइड पे भी देख सकते हो अगर आप स्कोप ओपन करते हो तो। तो देख लो यार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप सामने की साइड पे भी देख सकते हो। तो देखो यार सामने की साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आप देख सकते हो। ओके यहाँ पे स्कोप ओपन करता हूँ फिर आप देख सकोगे सामने की साइड, यहाँ से आप इजी तरीके से बंदों को भी मार सकते हो नीचे की साइड। नीचे की साइड तो बंदों को हेड ही लगने वाले हैं लेकिन सामने की साइड भी आप देख सकते हो, सिर्फ देख सकते हो सामने की साइड बंदों को मार नहीं सकते ना। तो देखो यार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सामने की साइड में भी, देखो यार ये सामने की साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उस साइड का भी आपको टावर की साइड भी अगर कोई बंदा होगा तो वो भी आपको देख जाएगा यहाँ से है ना, देख सकते हो सामने की साइड भी आप देख सकते हो लेकिन उस बंदे को आप मार नहीं सकते। तो ये वाला हाइडिंग प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और जो बंदे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा उसको भी ऑल पर सेट कर देना, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और याद से इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे भी मैं फनी क्लिप्स डालता रहता हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा।